अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक चीज़ नहीं है, तीन चीज़ें हैं। तो पहले तो इसका जो ये रैपर है इसको उतार लेते हैं। इसके लिए एक सीज़र की ज़रूरत है, तो हम एक सीज़र ले आए हैं। तो गाइस हम एक सीज़र ले आए हैं, तो इसे जल्दी से खोल लेते हैं। और गाइस हमने ये अली एक्सप्रेस से मंगवाई है। अली एक्सप्रेस पर एक सेल लगी हुई थी और अभी देखते हैं कि कैसी चीज़ है, फिर आपको बताएंगे कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। इसको फाड़ लेते हैं, बस कट गया। तो पहले पहली चीज़ निकाल लेते हैं जो भी हाथ में आएगी। तो गाइस पहले ये ग्लव्स है, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के लिए। पहले इसे खोल लेते हैं, इसे ओपन कर लें। यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये देखें गाइस, कई लोगों को तो पता चल गया होगा देखिए कि क्या चीज़ है ये। मतलब कि ये ऐसे ग्लव्स हैं जिसको पहन के अगर आप मतलब अनकटेबल ग्लव्स हैं ये। मतलब मेरे पास एक ये है, और अगर आप पहन के कोई शार्प वो कर रहे हैं काम और आप चाहते हैं कि मेरे हाथ पे कोई खराश या कट वगैरह ना लगे, तो ये काफ़ी मतलब आपके काम आ सकता है। पहन के देख लेता हूँ कैसे हैं ये। सही है गाइस ये तो। अब ये फेरू ना फेरू, डर लग रहा है कि ये ना हो गई, नहीं खराश तो नहीं आ रही कि अगर आप ऐसे काट रहे हैं और ये आपका ये यहाँ से हाथ आता है। बिल्कुल भी गाइस मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरा हाथ आया हुआ है, वरना अगर जितना मैं जोर दे रहा हूँ ना हाथ कट सकता है आराम से। ये अच्छी क्वालिटी के हैं, दो हैं, आप दोनों हाथों में पहन के आराम से काम कर सकते हैं। तो गाइस ये क्या कहते हैं, अनकटेबल ग्लव्स है, और इसका जो ग्रेड है वो 5 है। मतलब 5 साइज ग्रेड वो 5 है इसका। तो हाई फुट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है सब यहाँ। तो इसको साइड पे रखते हैं, अगली चीज़ की तरफ चलते हैं कि हमारी अगली चीज़ क्या है। तो हमारी अगली चीज़ है क्या निकालूँ क्या निकालूँ, ये हाँ ये भी उसी चीज़ रिलेटेड है। तो इसको देखें कि क्या चीज़ है। अरे इतने ज़्यादा मुझे पहले लगा फ्री फायर के ग्लव्स हैं, पहन के फ्री फायर खेलते हैं ना, लेकिन ये वो नहीं है। ये बिल्कुल इसी इसके मैच कर रहे हैं। तो ये भी वही है कि मतलब अगर आप फिर काम कर रहे हैं और अगर आप मतलब गर्मियों में कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है और मैं ना करूं पूरा ग्लव्स ना पहनूं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये पूरे 10 फिंगर्स के हैं। आपके पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट हैं आप उन्हें काट रहे हैं, किचन यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप कोई फ्रूट वेजिटेबल वगैरह काट रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। 10 पूरे हैं फिंगर्स के, ये भी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। इससे भी कोई मतलब ना कोई चीज़ अगर आपका हाथ आ जाता है तो वो नहीं कटेगा। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। तो अगली देखते हैं क्या चीज़ है। लास्ट चीज़ अपनी आ गई। अरे ये तो माउस है, लेकिन गाइस ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरे उसमें आई है। माउस बाहर निकल रहा है और डब्बा भी कुछ अच्छा नहीं है। वायरलेस माउस है, बहरहाल ये कलर ग्रीन कलर में आया है। प्यारा माउस है, काफ़ी देख ही सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी शेप में है। ये पता नहीं क्या है, देख के बताऊँगा आपको। तो ये काफ़ी उसमें है ऑफिस वर्क के लिए ख़ासतौर पर, ये काफ़ी। तो गाइस बहरहाल इसका पता चल गया। ये गाइस जो है ना, ये आप अपने सिस्टम में लगाएंगे, लैपटॉप वगैरह है उसमें प्लग कर देंगे जहाँ वो लगता हो, और उसके बाद ये ब्लूटूथ से वो हो जाता है और आराम से आप इसे वायरलेस तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस यूज़ के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी वो है। लेकिन गाइस मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये बटन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये ज़रा कोई थोड़ा इसमें मतलब कम वो किया गया है। और इसमें देख ले तो मेरे ख्याल में एक ये भी आया, इसके अंदर ये था लेकिन ये तो इसमें था ही नहीं। और ये जो है मतलब कि ना ये चार्जेबल है, और ये इसकी पोर्ट है, इसमें इसको प्लग करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया, अब इसमें प्लग करते हैं, ये प्लग हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल से हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल में हो गया ये प्लग। और इसमें आपको मैं इधर दिखा देता हूँ कि इसमें ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं पिंक ग्रीन वाइट और ब्लैक वगैरह। ये कलर बाहर मुझे पसंद आया, इसके लिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और इसमें आप यहाँ सारा पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के अगर आप पढ़ना चाहें, और सब है इसमें। बट ये कुछ अच्छी पैकेजिंग में नहीं आई,
बहरहाल ये काफ़ी यूनिक है, लेकिन मुझे मैं आपको कहता हूँ कि ये देखिए ऑन भी हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी चार्जिंग थोड़ी है, ये एकदम से जली ना फिर से जला दी, ये देखिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी चार्जिंग लो है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। कि ये जो है हमने देख लिया है, और मैं चाहता हूँ कि अली एक्सप्रेस को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए पैकेजिंग के मामले में। बाकी ये सारी चीज़ें थी, मुझे अफसोस नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बुरी चीज़ें मंगवाई हैं, चीज़ें सही रही हैं, सारी अच्छी चीज़ें थी। और जो ये छोटे वाले ग्लव्स थे, तो गुम ही ना हो जाए, ये ना हो इसको पैकेट में पैक करके रखना पड़ेगा। बस एक बात है कि इसका ज़रा दुख है, ये अच्छी पैकेजिंग में नहीं आई। बहरहाल ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ये तो काफ़ी यूजेबल है, किचन आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।